हेलो दोस्तों, डिमांड ऑफ फिट चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हमने MI से एक ऑर्डर मंगवाया है और उसके अंदर है MI का VR हेडसेट। तो VR हेडसेट एक बहुत ही अच्छा गैजेट है वर्चुअल रियलिटी के लिए और ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है 3D के लिए। तो चलिए दोस्तों, इसे खोल के देखते हैं कि क्या कुछ इसमें मिल सकता है कंपनी की ओर से। तो अनबॉक्स के लिए एक स्पेशल चाकू, आइए इसे अनबॉक्स करके देखते हैं। MI की पैकिंग क्वालिटी, जो पैकेज का क्वालिटी, वो हमेशा अच्छा होता है, हमेशा मजबूत होता है। ये अभी से अंदर से बोल रहा है कि मुझे बाहर निकालो। तो दोस्तों, ये है MI का VR बॉक्स, जो मुझे आज ही अभी फ़ौरन रिसीव हुआ है और ये आता है 999 रुपीज़ ओनली। अच्छा VR हेडसेट है। बाकी अदर्स की तुलना में मैं आपको एक और VR हेडसेट दिखाऊंगा जो मैंने eBay से परचेज़ किया था और उसकी क्वालिटी कैसी थी वो भी मैं आपको इसी वीडियो में दिखा दूंगा। तो दोस्तों, इसे अनबॉक्स करने के लिए हमारा स्पेशल यहाँ पे लगेगा। बहुत ही शानदार किस्म से ये खुल गया। ये तो यहाँ पे एक पेपर वर्क मिलता है, पेपर वर्क नहीं कहेंगे इसे, इसे कहेंगे बिल MI की ओर से 999 रुपये का, क्या सारे टैक्स को जोड़ करके। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पैकिंग कितनी शानदार है। यहाँ पे एक आपको एयर का बैग दिया गया है प्लास्टिक का, जो इसको प्रोटेक्शन करेगा, इसको कोई भी डंप या बम से बचाएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा चीज़ दिया है इन्होंने, बढ़िया है ये फिल एयर एक्सप्रीम। तो ये दबने के लिए अच्छा प्रोटेक्ट करेगा किसी भी प्रोडक्ट को। तो इसके लिए MI को ढेर सारा थम्सअप। तो दोस्तों, ये है MI का VR हेडसेट, ज़बरदस्त है बॉस, बहुत ही अच्छा पैकेजिंग है और सील पैक आया है यहाँ पे। तो पैकेजिंग के मामले में बहुत ही ज़बरदस्त है। तो चलिए इसे फटाफट खोल के देख लेते हैं। तो इसे खोलने के लिए, ओ बहुत प्यार से खुल गया यार। अच्छा, ओहो, इसमें कोई भी आपको हेड स्ट्रैप नहीं मिलता है। तो चलिए इसे साइड कर देते हैं। तो दोस्तों, ये है MI का VR हेडसेट, जो जिसका बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छा है और ये आपको पूरे फैब्रिक के हैं। आप इसे जूट फैब्रिक कह सकते हैं, जूट फैब्रिक इसे आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे आप 4.7 इंचेस, मतलब iPhone 6 से लेकर के आप 5.5 इंच स्क्रीन तक के फ़ोन को लगा सकते हैं। तो बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे एक सिलिकॉन का रबर पैड दिया है जो आपके फ़ोन को प्रोटेक्ट करेगा, वो भी मैं आपको अभी फॉलो करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, मैं अपने iPhone 6s को लगा के दिखाऊंगा, एक सेकंड। तो मैं अपने iPhone 6s को अभी यहाँ पे लगा के दिखाऊंगा कि ये कैसा लगता है इसमें। तो आई होप कि ये इसे ऐसे ले लेगा कवर, क्योंकि मैंने iPacky का कवर लगाया है इस तरह से। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक VR एप्लीकेशन खोलना होगा, VR स्नाइपर। और मैं इसमें, इस VR बॉक्स में मैं OnePlus 3D, जिसे मैं वीडियो कर रहा हूँ अभी, वो भी मैं आपको डाल के दिखाऊंगा। अरे यार, एडवर्टीजमेंट यहाँ, फॉर एग्जांपल मैं $100 सिलेक्ट करता हूँ, $100 एंड हाँ,
तो ये आ गया और ये प्ले वर्जन में चलते हैं 3D। तो ये VR मोड पे ये चालू हो गया है। अब मुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक सिंपल इसे लगाना है। यहाँ लगाने के बाद इसे रैप करना है इस तरह से, इसे बंद कर देना है और शायद से थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा इसकी साइज को। तो दोस्तों क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, और सॉरी यहाँ पे तो ये लगा हुआ है तो थोड़ा सा दिख नहीं रहा सही से, इसे निकाल देता हूँ। तो मुझे नहीं लग रहा कि आप लोग देख पा रहे हैं, लेकिन क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी। बस इसमें एक हेड स्ट्रैप नहीं दिया है, वो देना चाहिए था। तो चलिए कोई बात नहीं, नहीं है तो नहीं है, है तो है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, क्वालिटी अच्छी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने ईबे से एक ऑर्डर मंगवाया था, शाइन कॉन, आप जानते होंगे बहुत ही अच्छा फेमस ब्रांड है, लेकिन नहीं पता यार मुझे ओरिजिनल भेजा या डुप्लीकेट भेजा, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों ये है शाइन कॉन का VR हेडसेट। इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ख़राब है यार, तो 1,099 रुपये इन्होंने मुझसे लिया, क्या दिया यार मेरे को खुद नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ पे एक ये टूटा हुआ है और बिल्ड क्वालिटी एकदम मज़ेदार नहीं, मज़ा नहीं आया यूज़ करने में। हाँ हेड स्ट्रैप इनका अच्छा है, यहाँ पे फ़ोन की जो क्वालिटी ये अच्छी है, इसमें इसलिए नहीं है, ये अगर ज़्यादा टाइट हो जाएगा तो थोड़ा सा आपके चेहरे पे दाग आ सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। ये काफ़ी कॉम्पैक्ट है, काफ़ी अच्छा है, कहीं भी इसे कैरी कर सकते हैं। और ये है शाइन कॉन, ये भी ठीक है, किसी को बुरा नहीं कह सकते हैं, सब अपने अपने जगह पे ठीक होते हैं। इसमें एडजस्टेबल है, इसमें ये खासियत है, यहाँ पर लेंस एडजस्टमेंट है शाइन कॉन में, और यहाँ पे वैसा कुछ भी नहीं है, कोई लेंस एडजस्टमेंट नहीं, कुछ भी फोकल लेंथ का कुछ भी नहीं, लेकिन ठीक है, बढ़िया है, चलेगा, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए बस। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। और मैं बहुत जल्दी एक नया वीडियो लाऊंगा, इसके लिए इसका मैं रिव्यू दूंगा, सारा कुछ बताऊंगा कि ये कैसा था, कैसा यूज़ करने में है, कितनी क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, मैं सारे आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और सब्सक्राइब के बगल में नोटिफिकेशन बेल है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि मैं हमेशा इसी तरह की वीडियोज़ लाते रहता हूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों, खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, फ़ियामान अल्लाह।